सो वेलकम बैक टू हम इंडिया वाले एंड ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम बनाने वाले हैं कच्चे पपीते की सब्जी। तो इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं लेंगे, हम ना प्याज लेंगे ना लहसुन लेंगे, हम सिर्फ टमाटर में बनाएंगे और एकदम लाजवाब रेस्टोरेंट स्टाइल कच्चे पपीते की सब्जी बनेगी। तो चलिए आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने दो छोटे छोटे कच्चे पपीते लिए हैं और आधा और है मेरे पास, तो ढाई पपीता हो गया है मेरे पास। और यहाँ पे मैंने दो बड़े बड़े टमाटर, दो हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा काट के रखा है। तो चलिए पपीते को छील के बड़ा बड़ा काट के रख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पपीते को छील के कट कर लिया है। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो इसी तरीके से हम अपना सारा पपीता फ्राई कर लेंगे। तो जब तक हमारा पपीता फ्राई होता है तब तक हम कढ़ाई में सरसों का तेल डाल के इसको अच्छे से पका लेंगे ताकि इसकी सारी महक निकल जाए। तो हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। जीरा भुनने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग और अपने जो भी हमने टमाटर, अदरक और हरी मिर्च काट के रखे हुए हैं वो सब इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी देगी मिर्च, हल्दी, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि नमक हमारी कुकिंग प्रोसेस को फास्ट कर देता है। और हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 2 चम्मच और उसके बाद हम थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे इसमें और अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब तक टमाटर गल नहीं जाते तब तक हम इसे पकाएंगे। और मज़ेदार खुशबू के लिए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सौंफ पाउडर। इससे सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और उसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। इस सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अच्छे से टमाटर को गलने तक के लिए हम इसे छोड़ देंगे। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छे से ग्रेवी बने। फिर हम इसको पीसेंगे मिक्सर में। तो ये देखिए हमारा सारा पपीता फ्राई हो चुका है और हमारी ग्रेवी भी बन गई है। अब हम इसको गैस को ऑफ कर देंगे और इसको पीस के इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए हमारा पेस्ट बन के रेडी है। अब हम इसको वापस कढ़ाई में डाल देते हैं और इसको थोड़ा पकने देंगे। वैसे तो ऑलरेडी पका हुआ है लेकिन 1 मिनट और पकाएंगे। फिर इसमें जार में जो हमारा पेस्ट बचा हुआ है इसमें हम थोड़ा पानी डाल के वापस इसी में डाल देंगे। तो ये देखिए हमारी ग्रेवी में बॉईल आना चालू हो गया है। अब हम अपने सारे फ्राई किए हुए पपीता जो है वो इसमें डाल देंगे और इसको 10 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे ताकि अगर पपीते में कुछ भी कच्चापन रह गया हो तो वो अच्छे से पक जाए और सारा इसका टेस्ट, ग्रेवी का टेस्ट सारा पपीते में मिक्स हो जाए। तो अब हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और फिर हमारी तो 5 मिनट बाद देखते हैं हमारी सब्जी का क्या कलर आया है। ये देखिए कितनी बढ़िया सब्जी बनी है। अब मैं इसके ऊपर कसूरी मेथी डाल देती हूँ भुनी हुई और इस सबको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया लाजवाब सब्जी बन के रेडी हुई। चेक करके देखिए पास से, है ना मज़ेदार। आपको कलर अभी थोड़ा वैसा लग रहा होगा लेकिन इसका कलर बहुत ज़्यादा रेड आया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है और एकदम लाजवाब पपीते की सब्जी बनके रेडी हुई है। ये देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करना। बाय बाय, टेक केयर।